टू अनदर ब्लॉग। और पहले तो गुड मॉर्निंग आप सभी को, एंड कोई भी नया चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। दीदी रात में भी लोग बोले खा रहे थे, सुबह भी खा रहे थे लोग, खाना खाते। मैं अपना ब्रश लेके चल रही हूँ। मैं नहीं खाती ब्रश, कर रही है ये देखो अमीरों के ब्रश, और ये खा रही है दीदी तब से, मैं खा नहीं रही। और अभी हम जा रहे हैं रिवर साइड में ब्रश करने, तो रास्ता यहाँ से है, लेट्स गो। अच्छा उधर से, मुझे खुद नहीं पता कहाँ से है, बस हम जा रहे हैं कहीं ना कहीं, सो लेट्स गो। रिवर साइड एडवेंचर ना अलग ही चल रहा है, भगवान जाने हम क्या कर रहे हैं, बट कुछ तो कर रहे हैं, कुछ ना से बड़े कुछ करे ही। भाई मैंने टोपी कैसे पहनी है दीदी, सुबह सुबह इतना प्यारा आवाजें फील करो भाई, कितना मस्त लग रहा है, आवाज अच्छी आ रही है ना पानी की, मतलब पूरी रात में मुझे सुनाई दे रही थी। हम यहाँ टूथपेस्ट करने जा रहे हैं, वो दो यार दीदी कह रही इतना ठंडा पाएंगे ना, एकदम फ्रीजर से निकाला हुआ, जिसे इमेजिन भी नहीं कर सकते आप लोग। तन्नी भी आ रही है यहाँ पे, और उधर भी और लोग भी है। ब्रश करने आए हैं, ऊपर इनको ब्रश करने के लिए स्पेस नहीं मिली, इतने अच्छे हमें प्राइवेट वॉशरूम दे रखे थे टेंट में, और ये नीचे आए हैं ब्रश करने, और यहाँ ये ठंड से ठिठुर रही है लड़की। बट यार मजे आ रहे, देखो सब लोग यहाँ घूम रहे हैं, मतलब सब मजे ले रहे हैं। वो देखो मेरे तो नेट ही नहीं चल रहा है। ब्रश करने के बाद नहीं, दीदी ने फेस वॉश भी कर लिया है, फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन। देखो नेचुरल ब्यूटी। और अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, बाकी वो दोनों तो नीचे जाके बैठे थे, उन्होंने ब्रश भी नहीं किया अभी तक, बाकी अभी वो लोग भी ऊपर आ रहे हैं, हमने बुला लिया है, और फिर उसके बाद देन हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग घूमने जाएंगे, मणिकरण साइड वगैरह, और गुरुद्वारा भी ना, और हमने पैराग्लाइडिंग कर ली है, क्योंकि कोई हमसे नहीं पूछेगा कैसे गई, बस हमने कर ली है, ये याद अंदर गम है अभी तक, नेल्स चुभ गए इसके, सॉरी अंदर अभी तक गम है मेरा। पैराग्लाइडिंग की वैसे सुबह ना कॉल आया था भैया का, पर हमें यहाँ हमने कर ली है पैराग्लाइडिंग, हमें दोबारा कॉल आया था कि तुम्हें दोबारा पैराग्लाइडिंग करनी थी, क्योंकि मम्मा ने एक्साइटमेंट देख के हम जो पूछ रहे थे। और कितना झूठ बोलोगे मेरे फैन से, ये सच है सच, मुझे लगता है मैं आपको झूठ बोलती थी। A few moments later. थोड़ी बात ही थोड़ी सी ज्यादा आ रही होगी, और नहीं आ रही होगी तो कानों के लेफ्ट करा देना, वो एयरफोन्स लगा के सुनना। नाइस बाय। हम बस खाना खा रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को अंकल आंटी मिले, काफी ज्यादा स्वीट है, अंकल आंटी लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। बाय बाय। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अभी हम मणिकरण वगैरह साइड जा रहे हैं पूरा, जहाँ पे हॉट वाटर मिलता है ऐसा मैंने सुना है, और मैं आप लोगों को ना जहाँ पे बॉनफायर वगैरह चल रही थी रात में वो दिखा देती थी, पीछे भी टेंट है, तो यहाँ पे ना बॉनफायर वाला सिस्टम पूरा चल रहा था, वो ये रहा पीछे साइड, और पीछे आप लोगों को रिवर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी बहुत अच्छी थी, और अभी मैं ऊपर भी दिखाती हूँ पूरा टूर देती हूँ कि कैसा है पूरा यहाँ का व्यू। सारे लोग मतलब क्वाड शेयरिंग होती है, तो फिर मतलब अगर आप ज़्यादा पे कर सकते हो तो डबल शेयरिंग भी हो जाएगी, बट क्वाड होती है मेनली हर टेंट में कैंपिंग में, तो ऐसे थे कुछ कैंप और ऊपर भी कैंप में मैंने वैसे दे दिया होगा, आई थिंक कैंप का टूर जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो ऊपर का दिखाती हूँ तो कैसे होगा। तो अभी हम जा रहे हैं, ट्रैकिंग की हो रही है हमारी एक तरीके से, हम 2 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं, मणिकरण जा रहे हैं हम लोग, बाकी जो भी है सब कुछ बताऊंगी डिटेल में एट द एंड वीडियो में, अभी हम चलते हैं। यहाँ पे आएगा देख रहे हो, यहाँ तो नॉर्मल पानी है, बट यहीं पर ही है सिर्फ हॉट स्प्रिंग वाला, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक है यार इस चीज के पीछे भी, बाकी बहुत सुंदर है ये गुरुद्वारा भी।
पीछे रस्सी रस पाए जा पहले सर मैको पाए उसके सर सब कुछ पाए जिसमें सर नई मछली सर पाए उसको सर रहेगा नाम के साथ मतलब पाया गया वो सब कुछ पाया। कोटी में आई हूँ पार्वती और शिव जी के मंदिर में, तो ये रहा जहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है, मेरा पूरा देख सकते हैं। तो जो पोटली दिखी है ना पाउच वाली, ये प्रसाद है चावल और चने और ये हॉट वाटर है, तो इसमें उबल के लाइक प्रसाद टाइप काइंड ऑफ बोल सकते हैं इसे। और पाँव इतने जल रहे ना क्या बताऊं। निकलते यहाँ पे ना शॉप्स है बहुत सारे, तो यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब थोड़ी यूनिक टाइप जो होती है ना वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप बस शॉपिंग के मफलर वगैरह लिए हैं हिमाचल के, और ये आंटी की शॉप है। अभी हम और देख रहे हैं कुछ अगर पसंद आता है तो लेते हैं। और इसने क्या लिया है, वो झुनझुना टाइप का कुछ था अपनी बहन के लिए, देखा ये देखो गाइस ये रहा। और बाकी मफलर है। वैसे हम लोगों ने ना थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली, हम शॉपिंग तो गए तो जो जो पसंद आया नॉर्मली, और बाकी हम लोगों का वेट कर रहे हैं अभी नेहा दीदी लोग वहीं पर ही, तो अभी हम जा रहे हैं डायरेक्ट वहीं। अनिशा दी कहाँ रखी आगे फिर छूट गई, तो चलते हैं फिर वही। हम लोगों ने दर्शन वगैरह तो कर ही लिए, अब देखते हैं आगे क्या करेंगे हम। गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने कैंप में, पीछे हमारा ना साइड में कैंप दिख रहा होगा आपको नीचे साइड, तो यार बहुत ज्यादा थक चुके हैं, कल भी ना नींद पूरी नहीं हुई ये मान लो, तो शायद अभी हम लोग रेस्ट करें। क्यों दीदी आप करोगे रेस्ट आराम से, तो शायद अब हम लोग रेस्ट करेंगे, तो फिर मिलते हैं जो जो भी करते हैं। बाय। यहाँ देख रहे हो ये भैया लोग ना और भी आ रखे हैं इधर, ये मछली पकड़ रहे हैं यहाँ पे देख रहे हो। तो गाइज हम लोग आ गए थे, हम लोगों ने रेस्ट किया था टेंट में, और अभी हम लोग कॉटेज में है फर्स्ट। अभी बनाऊंगी सुंदर, मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है लिटरली ये कॉटेज में ना। एक बात मैं ऑनेस्टली बताती हूँ, मैं फर्स्ट टाइम कॉटेज में रह रही हूँ, मतलब फर्स्ट नाइट हो गई कॉटेज में, और ये कॉटेज एकदम चुम्बेश्वरी है कॉटेज सच में भाई। मतलब मैं तुम्हें इनकी पूरी डिटेल दूंगी, बाकी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा आप लोगों को सस्पेंस में और छोड़ा जाए, एंड इसका दिखाएंगे रूम टूर दिखाएगी ये अभी कॉटेज का, मे बी अभी थोड़ा ही दिखाऊं और थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करके बाद में दिखाएं। नहीं नहीं अभी दिखाएगी, हम आपको वेट नहीं कराएंगे, वैसे हम आपको स्नो और पैराग्लाइडिंग का वेट करा, बट या मेक श्योर की पैराग्लाइडिंग की जरूर वीडियो आएगी, इसलिए ही हम लोगों ने एक दिन का स्टे और हमारा बड़ा है, एक दिन का हमारा डे एक्सटेंड हुआ मेनली हम लोगों ने पैराग्लाइडिंग के लिए किया, क्योंकि मेरा इतना मन था, आप लोगों ने अगर पहली वीडियो देखी होगी मेरी पूरी एक्साइटमेंट इतनी ओवर थी ना, तो वही है कि उस वजह से हो नहीं पाएगी, तो हम लोग कल जाएंगे सुबह पैराग्लाइडिंग के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को यहीं एंड करूँ और बाकी व्लॉग नेक्स्ट कंटिन्यू करती हूँ कॉटेज के साथ, क्योंकि मैं इसका अपने कॉटेज का फुल टूर देने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।